मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने समुद्रों से बड़ा हौसला अता फरमाया था, समुद्रों से बड़ा, समुद्रों से बड़ा मुश्किल होता है बेटी के कातिल से सुलह करना, बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है कांटे बिछाने वालों के रस्तों में फूल बिछाना। ओ भाई ये बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा बड़ा, जिन्होंने पत्थर बरसाए हो मक्के से निकाला हो उनके गले में फूलों के हार डालना, पर सलाम उस पर के जिसने दुश्मनों को भी कबाएं दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। तो हुजूर ने हिल्म का मुजाहरा किया, तदब्बुर, सबर एक तदबीर है, ये आपको सियाणा कर दे, जो अल्लाह ने आपको दिया उस पर राजी रहे, सबर करें और अपने इर्द गिर्द लोगों को देख के परेशान ना हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को सबर सिखाया और साथ ये भी हुक्म फरमाया कि मुसीबतें और मुश्किलें बड़े लोगों पे आती हैं, छोटों पे मुश्किलात जो दिल के छोटे हों, जेन के छोटे हों, उन पर अल्लाह मुश्किल नहीं डालता। एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा मुश्किलात किन पे आती हैं? तो हुजूर ने फरमाया नबियों पे। किन पे? या रसूल अल्लाह, उसके बाद? तो हुजूर ने फरमाया फिर नेक लोगों पे, उलमा पे, सुलहा पे, सूफिया पे, अतकिया पे, इन लोगों पे बड़ी मुश्किलात होती, ये कठिन राहों से गुजरते। भाई तैयार करें ज़हनी तौर पे अपने आप मुश्किलात के लिए, आजमाइशों के लिए, तकलीफों के लिए तैयार करें। जब आप तैयार रहेंगे फिर आने वाली मुश्किल आसानी से गुजर जाएगी, और जब कहेंगे पता नहीं क्या होगा, हौसला छोड़ जाएंगे, फिर मामला खराब होगा। दलेर रहें, तदब्बुर से चलें, दानाई से चलें, हिल्म पैदा करें, बुर्दबारी। हमें कई दफा सजदा साफ करना पड़ता है, हम जो कहते हैं बात उसके उल्ट निकल आती है। हम किसी शख्स के बारे में कुछ तबसरा कर बैठते हैं, कुछ अरसे के बाद हमें पता चलता है कि वो तो ऐसा था ही नहीं, हमने गलत बात कर। हम बगैर तहकीक के, बगैर तफ्तीश के, हौसला ना होने की वजह से, सब्र ना होने की वजह से हम बहुत सारे काम कर गुजरते हैं, फिर हमें नुकसान होता है। अपनी जिंदगी में हिल्म ना छोड़ें, हौसला ना, लड़ाइयां होती हैं ना घरों में, उसकी वजह खामद होता है, बीवी नहीं होती। ये बात घर जाके बताना कि आज उन्होंने कहा। लड़ाई की वजह कौन होता है? ना बोलो तुसी, पर मैं तो आख ही छड़िया है, वो तो रिकॉर्ड हो गया। लड़ाई की वजह कौन है? हाँ, जेड़े बातें लड़ते ने वो कूंदे ही नहीं पे। वजह कौन बनता है जी? क्यों भला? इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत की अगल आधी है तो तेरी तो पूरी है ना, जिसका मतलब है लड़ाई अगर बच सकती थी तो मर्द की वजह से बच सकती थी, घर में अमन हो सकता था। कहते हैं जी ये बड़ी बेवकूफ है, मेरी सुनती नहीं। तो मैंने कहा जो उससे बहस कर रहा है वो सियाणा है? बोले, जो बहस कर रहा है वो अकलमंद है? बंदा तो चलो था वो दानश्वर शेक्सपियर, बातें बाज़ोकात उसकी कुछ ऐसी हैं। उसने उससे किसी ने पूछा था औरतों से कौन जीत सकता है बहस में, तो उसने कहा था वो जो उनसे बहस ना करे, जो उनसे बहस है। तो भाई तू वजह इसलिए कि हौसला तो तू नहीं करना था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीबी टेढ़ी लकड़ी है, सीधी करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी सीधी, तो फिर कितना बेवकूफ है जो पत्थर से सर रगड़ रहा है, कितना नादान है जो ये हरकत कर रहा है, दरिया में छलांग लगा के कहता डूबूंगा नहीं। तो भाई हौसला पैदा कर, हिल्म पैदा कर। बहुत सारी ऐसी बातें करेगी जिसमें इश्तियाल आएगा, फटाफट तीन लफ्ज तलाक के दे दिए, अब भागा गया मुफ्ती साहब के पास, ओहो चार बच्चों का क्या बनेगा। और ये बात पक्की है कि बच्चों को सिर्फ उनकी माँ ही पाल सकती है, उनकी माँ। तूने तीन जुमले कहते सोचा ही नहीं, तेरा का गया तो ये तो नई बीवी मिलेगी, और उसका भी क्या गया, उसको भी शायद शौहर मिल जाए। उन फूलों की परवरिश सिर्फ उनका माली कर सकता है, दूसरा कर सकता? तो तूने हौसला ही नहीं किया। ठीक है गलती बीबी की थी, पर तू तो मर्द था ना, तेरे पास तो दलेरी थी, फटाफट ही तीन तलाक के जुमले कह दिए। और मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जायज काम बड़े हैं, पर तलाक जायज तो है पर मेरे रब को पसंद नहीं, अल्लाह को पसंद
तूने माली भगा दिया जिसने तेरे घर का बाग सींचना था। तो भाई ये हौसला नहीं, दर्जनों तलाके, बीसियों केस, और अभी अभी वो शादी के पूरे कपड़े नहीं पहने तो तलाक पहले, उसकी वजह ये कि हौसला नहीं, सब्र नहीं, रजा नहीं, हम एहसास नहीं करते। अगर तू ये समझ जाए कि बस अल्लाह ने जो मेरे लिए बेहतर समझा मुझे दे दिया, सही है, मेरी आजमाइश है, क्या है, कुछ है, जो उसने बेहतर समझा मुझे उसने, फिर तू सुखी हो जाए, तेरे लिए जीना आसान हो जाए, फिर तू बहुत सारी परेशानियों से, आजमाइशों से दूर हो जाए। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें हौसला करने का हुक्म दिया, दलेरी, दलेरी।